हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में आयोजित की गई थी। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर और गठबंधन पर खूब निशाने साधे। अनुराग ठाकुर पर अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना, इस बार चौथी बार प्रदेश हमीरपुर की जनता अनुराग ठाकुर को जिताकर संसद में भेज दो तो उसे निश्चित रूप से केंद्र सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मेरी बात याद रखना, अनुराग को एक बार सांसद बना दो, उसको बड़ा नेता बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अनुराग को काम करते हुए देखा है। देश भर में कई चुनाव हुए, युवा मोर्चा का नेतृत्व करते देखा है, आंदोलन करते देखा है, लाठियां खाते देखा है, पानी के कैनन के सामने छाती खोलकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मैंने अनुराग को देश भर में मेरे अध्यक्ष रहते हुए सारे देश के चुनाव हुए, एक भी चुनाव नहीं है जिसमें अनुराग ने देश की मिट्टी न फाकी हो, धूल न फाकी हो, ऐसा एक भी चुनाव। देश के स्पोर्ट के क्षेत्र के अंदर अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र के विकास के लिए भी अनुराग का बहुत बड़ा योगदान है। और मित्रों, इसीलिए हमीरपुर ठाकुर साहब बैठे, जयराम जी बैठे, अनुराग स्वयं है, हमारे नड्डा का क्षेत्र है, मुझे कोई आने की जरूरत नहीं थी। मैंने आग्रह से कहा था कि भाई अनुराग के लिए मैं जरूर जनता को एक अपील करने के लिए था। और इसीलिए आज मैं बिलासपुर आया हूं। मित्रों, अनुराग जी ने का अंतर और बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। और जहां तक इस हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, यहां भाई अनुराग ठाकुर जी यहां पर चौथी बार जीतने वाले हैं, जीत का चौका लगने वाला है। और वहां कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस उम्मीदवार को यहां घोषित किया है वो लगातार चौथी बार हारने वाले, चौका वहां भी लगने वाला है, लेकिन हार कर सफल। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से निशु पढ़ाकर की रिपोर्ट।